मे एवरीवन wow. कैसे हैं आप सब आई I... होप सब ठीक होंगे हैरत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे रात का टाइम था डिनर के बाद कुछ बच्चे इस तरह से मेरी हेल्प करते हैं और बच्चे कहाँ सुनते हैं पर उनको मनवाना पड़ता है कभी कभी लाड़ से प्यार से जब आप पुछ... एक तो आप बच्चों को एक अच्छी बात बता रहे होते हैं सिखा रहे होते हैं अपने काम खुद करना दूसरा ये कि आपका बर्डन काफ़ी हद तक कम हो सकता है अब यहाँ पे बच्चों को मैंने टास्क दिया है कि मैं देखूँगी कि इसने कितना काम किया और कितनी देर में किया तो वो विनर होगा तो बस बच्चे जो है ना इसी टास्क को लेके ज़ोर और शोर से सफाइयाँ कर रहे थे और साथ मेरा काम भी बहुत हद तक कम हो गया तो ऐसे ही अगर बच्चों को ना भी दूँ ना तब भी ये मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं फिर मुझे बताते हैं कि हो गया अब जाए हम खेलें तो फिर इसके बाद इनके खेलने वगैरह का टाइम हो जाता है क्योंकि स्कूल से वापस आके वो इतने बिज़ी हो जाते हैं ना पहले तो रेस्ट करते हैं फिर इनकी कुरान क्लास होती है फिर होमवर्क वगैरह करना सब कुछ और फिर ये जो टाइम होता है ना ये फ्री होते हैं उनके खेलते हैं थोड़ा सा शोर करते हैं जिसकी वजह से हम आ, तंग नहीं पड़ते कभी कभी पेरेंट्स तंग भी पड़ जाते हैं शोर की वजह से और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये बचपना है और ये बच्चों से ही होता है और अगर शोर कर या थोड़ी देर के लिए तो उनको करने देना चाहिए अच्छा जी उसके बाद मैं तो किचन में आ गई थी और किचन को कर करने लगी थी साफ सुथरा यहाँ पे मैंने प्याज़ जो है ना वो फ़िलहाल छोटी टोकरी में डाला है क्योंकि प्याज आलू वाली टोकरी काफ़ी गंदी हो रही थी मैंने कहा जिसको अच्छी तरह से धो के ड्राई करके फिर दोबारा से उसमें सारी चीज़ें रिस्टोर करूँगी तो बस रात के टाइम क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आपने सुबह फ़्रेश उठना है सुबह सारे काम आपके निपटे हों क्योंकि पता नहीं होता ना सुबह कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ ऐसा काम हो जाता है कि कभी कभी इंसान की तबीयत भी नहीं ठीक होती तो अगर आप एक्टिव हैं फ्रेश हैं तो रात को अपने सारे काम करके सोएं ताकि आप सुबह जो है ना उठें और सुकून के साथ आए किचन में नाश्ता बनाएं नाश्ता बना के ना आपका काम बहुत कम होगा दोबारा से और फिर जो दोबारा आप को, कोई एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं बनता बस किचन को ले कर बैठ जाए सुबह ही सुबह इस टाइम में फ्री थी तकरीबन आठ बजे का टाइम था हम लोग तो डिनर करके फ्री हो गए थे हमारे घर में जो है ना खाना बहुत जल्दी हम खाते हैं हम फिर लेट खाते हैं ना हमारे आस पास के लोग छः बजे सात बजे खाना खा के फ्री हो रहे होते हैं हम जो है ना लेट हो जाते हैं थोड़ा सा और बस सबका वेट करती रहती हूँ कि सब आएंगे और फिर खाएंगे। तो जब भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ मेरा तो रूल है कि जब भी शेल्फ़ साफ करूँ ना शेल्फ़ पे पड़ी हर चीज़ मैं साफ़ करती हूँ डेली रूटीन में साफ करती हूँ क्योंकि फिर मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और आलू प्याज की टोकरी काफ़ी गंदी हो रही थी तो बस इसको मैंने जो है ना सबसे पहले स्कॉच ब्राइट जो है ना मैंने गीला करके अच्छी तरह से इसके ऊपर से सारे दाग वग़ैरह उतार लिए थे उसके बाद जो है ना मैक्स साबन लेके उसके साथ जो है ना इसको वॉश किया और इसकी शक्ल थोड़ी सी वापस लेकर आई और डीप क्लीनिंग तब हमें ज़रूरत पड़ती है ना जब हम काम को डिले करते रहते हैं छोड़े रखते हैं अभी करेंगे अभी करेंगे जब हम साथ, साथ एक दो एक दो काम करते रहे ना तो हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है और हमें ऐसा टाइम मिल जाता है ना कि हम कोई भी एक्स्ट्रा काम कुछ भी हम खोल सकते हैं तो ये तो मेरी पक्की आदत है ना कि जब भी किचन में मैं एंटर हो जाऊँ ना अगर मैं एक काम कर रही हूँ ना अगर मुझे दूसरा नज़र आ गया कि ये भी करना है तो उसको फ़ौरन से ही कर लेती हूँ एक ना एक दिन मेरा जो है ना वो ईज़ी गुजरता है उसके बाद सारे शेल्फ वगैरह क्लियर करके हर चीज़ संभाल के मैं आती हूँ बर्तनों की तरफ और फिर इनको वॉश करके सिंक को अच्छी तरह से क्लियर करके सिंक में से सारे बर्तन निकाल के फिर ही सोऊंगी क्योंकि रात को पता नहीं होता कुछ ना कुछ सिंक के पास घूम रही होता है और फिर जो है ना सुबह फिर दोबारा से बर्तन वॉश करने पड़ते हैं तो मैं पंखा लगा के बर्तनों को सुखा के इनको संभाल के फिर ही सोती हूँ ये मेरी आदत है अगर वह चली भी गई तो रात को एक दो बजे जब भी आँख खुलती है तहजद के लिए तो उस टाइम जो है ना मैं आके किचन में बर्तन संभाल देती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ में बड़ा वहम है ये चीज़ें जो घूम रही होती है ना काफ़ी दफ़ा नज़र भी पड़ जाती है तो वहम की बात नहीं है सीरियसली ऐसी चीज़ें होती रहती हैं चीज़ों से मतलब कोकरोच वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो आप कुछ भी कर लें कुछ भी कर लें एक दो एक दो किचन में लाजमी घूम रहे होते हैं तो उनकी वजह से किचन को ना अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ कर लेती हूँ और सुबह उठ उठ के भी ना मैं शेल्फ़ को साफ़ करती हूँ फिर इस पर काम दोबारा से शुरू करती हूँ अच्छा जी आप बारी है यूटेंसिल को क्लियर करने की इस, इसको खाली करने की और हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे रखने की जब आप फ़ौरन से हर चीज़ अपनी जगह पे रखेंगे ना उसी टाइम पे तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा दूसरा कि आपके बर्तन बहुत कम हो जाएंगे जब हम ढेर लगाते रहते हैं ना बर्तनों का और दोबारा से उनको यूज़ करते रहते हैं ना तो किचन जो भरा भरा लगता है और बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लगता है पता चल रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है तो मैं फ़ौरन से जो है ना यूटेंसिल क्लियर कर लेती हूँ और दो अगर मुझे कोई बर्तन चाहिए भी होता है ना तो मैं वही यूज़ करती हूँ जो मैंने छः प्लेटें रखी हुई हैं कुछ चमचे रखी हुई हैं कुछ कप्स रखे हुए हैं और कुछ ये वाली ये जो सब कुछ शेल्फ़ के ऊपर है ना ये सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर से कम बर्तन निकालू बहुत कम निकालूँ उसके बाद जो है न बारी आ जाती है किचन टॉवल्स की जिनको साफ़ करना रात के टाइम दिन को तो ये यूज़ होते ही रहते हैं ना पर अच्छी तरीके से रात के टाइम इसको धो के फिर इसको बाहर जो है ना फैला के फिर ही सोती हूँ सुबह जो हल्की हल्की धूप होती है ना वो भी इनको लग जाती है तब तक या दिन को भी वॉश करके इनको धूप में, में रख देती हूँ इनकी वजह से जम्स काफ़ी हो जाते हैं ना जब आप पूरा दिन एक गीला कपड़ा यूज़ करते रहो तो उसमें जम्स इकट्ठे हो ही जाते हैं तो इसको साफ़ सुथरा करके फिर इसको अच्छी तरह से ड्राई करके फिर इसको बाहर फैला देती हूँ और नेक्स्ट डे जो है ना इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही होती है और ये गंदे भी नहीं होते उसके बाद जब मैं किचन साफ़ करती हूँ ना तो किचन में सारा दिन काम कर के रंग बिरंगे मसाले और बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ों की जो है ना खुशबू आ रही होती है फ्रूट्स की सब कुछ मिक्स हो रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ सर्फ डाल के उसमें थोड़ा सा बॉडी वॉश डाल देती हूँ या कोई शैम्पू वगैरह या कम्फर्ट वगैरह डाल के कुछ ना कुछ ऐसा मैं लाजमी डालती हूँ फिर मैं किचन को वॉश करती हूँ और किचन से इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि वो सब जो स्मेल्स वगैरह ना वो पता ही नहीं चलता किधर गई हैं तो इस ब्रश से जो है ना मैं अच्छी तरह से किचन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये कॉर्नर कॉर्नर साफ करता है और फिर जो है ना अच्छी तरीके से टॉयलट्स भी साफ़ हो जाती हैं और पूरा किचन नीट क्लीन और फ्रेगरेंस इतनी ज़बरदस्त होती है ना मेरी इस वजह से और किचन वॉश हो गया पंखा लगा दोगे और ये तब तक सूख जाएगा अच्छा यहाँ पे ना तकरीबन इस टाइम जो है ना लाइट जो है ना वो गई होती है और फिर कोई भी अंदर नहीं बैठता बेशक यूपीएस है पंखे हैं सब कुछ है पर अंदर कोई नहीं बैठता बाहर बैठते हैं और इतनी मज़े की हवा चल रही होती है आजकल हमारे कश्मीर में बहुत ही खूबसूरत मौसम है रात के टाइम दिन को थोड़ी गर्मी होती है पर रात को टाइम रात के टाइम जो है ना वो मौसम अच्छा है तो टोकरी जो है ना वो सूख की थी उसको अंदर ले आई थी मैं और बस आलू ले थे बस प्याज और लहसुन था वो मैंने इसमें डाल दिया और फिर उसको तो संभाल दिया अपनी जगह पर तो जब बच्चे बाहर बैठे हों अपने दादा दादी के पास तो फिर मैं जो है ना स्कूल से काम कर लेती हूँ मेरा किचन हो गया जी नीट क्लीन साफ़ सुथरा अलहदुल्ल और साथ ही नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैं आ गई किचन में और बच्चे भी जगा लिया था नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के काफ़ी टाइम लग जाता है ना फिर तकरीबन छः सवा छः बजे का टाइम हो जाता है मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना मामा हमें प्लीज़ जल्दी जगाया करें उसको उनको लेट जगा दू ना तो फिर मेरी जो है ना वो सारा दिन जो मेरा पूरा गुजरता है क्योंकि वो बहुत जो है ना जल्दी स्कूल जाने के मतलब एक क्रेज़ है उनको कि हम जल्दी से स्कूल जाएँ उसके बाद जी मैंने यहाँ पे रख लिया जी चाय और बस दो कप भी बनाती हूँ दो कप भी कहाँ पीते हैं मेरे बच्चे बस थोड़ी थोड़ी सी पी लेते हैं और जब बच्चे रेडी हो जाते हैं ना तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वह क्या खाएंगे क्योंकि खाने के मामले में सुबह नाश्ते के मामले बहुत ही लापरवाह हैं फिर उनसे पूछना पड़ता है जो चीज़ वो उन्होंने खानी होती है ना फिर मैं वही बनाती हूँ जो उनके मुँह से निकल जाए तो आज वो कह रहे थे हमने जो है ना चूरी खानी है तो बस चूरी बना रही थी और मेरे बच्चों का इतना इशू है कि वो चीनी अगर डाल दूँ ना तो उनके मुंह में आ जाए चीनी तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे मैंने शुगर सिरप बना के रखा हुआ है और फिर इसी के साथ जो है ना मैं चूरी बनाती हूँ और अगर शक्कर डाल के दे दो ना तो उनको टेस्ट नहीं पसंद उनको बस चीनी वाला टेस्ट पसंद है तो बस मैं यहाँ पर शुगर सिरप बना के रखा हुआ है और ये थोड़ी थोड़ी सी दूँगी दो दो निवाले लगाएंगे फिर चले जाएँगे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के फिर यही खाएँगे उसके बाद उनके लिए चाय भी निकाल ली थी और बैठ के फिर कर रहे थे नाश्ता thank mm -hmm. you जो बच्ची हुई चूरी खाई थी और उनको मैंने फ़्रेंच टॉस्ट भी बना के दिया था यहाँ पे मैं अपने ससुर के लिए नाश्ता बना रही थी अबू के लिए और अबू इतनी जल्दी में आते हैं ना काफ़ी टाइम बाद मैंने उनके नाश्ते की जो वीडियो है ना शूट किया क्योंकि वो एकदम से बताते हैं कि मैं बस अब जा रहा हूँ मेरे लिए नाश्ता ले आओ और ठंडा नाश्ता बना के तो मैं रख नहीं सकती बच्चों के जाने के बाद वेट करती हूँ कि अबू जब जाएंगे नहाने के लिए तो मुझे बताएंगे कि मैं अब जा रहा हूँ नाश्ता रेडी करो तो फिर फ़ौरन फ़ौरन से हर चीज़ तो ये टाइम होता है ना साढ़े नौ बजे का टाइम था और जो बच्चे जो है ना इस टाइम थोड़ी देर के बाद उनको लंच ब्रेक होगी तो मैं उनको फ्रेश लंच बॉक्स जो है ना भेज देती हूँ क्योंकि हम बाज़ार हमारे घर के पास ही और कोई ना कोई जाता रहता है तो फिर मेरी कोशिश होती है ना फ्रेश फ्रेश गर्म गर्म लंच बॉक्स बच्चों को भेजूँ अगर सुबह सात बजे ही उनको बना के साथ दे दूँ ना तो वो ठंडा हो जाता फिर वो खाते भी नहीं तो सिंपली यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ बच्चों के लिए अंडा रख के और ब्रेड्स को साइड्स पर माइनीज कैचअप लगा के सिंपली बस इसको मैं अब सैंडविच मेकर में डाल के इसकी शेप बना लूँगी उसके बाद लंच बॉक्स ले आई थी और सिंपली एप्पल कट करके डालूंगी और सैंडविच डालूँगी मेरी बेटी तो एक हाफ़ ही खाएगी पर बेटा जो है ना वो पूरा खाता है और अगर आप सुबह सुबह बच्चों को एप्पल देना चाहते हैं ना काट के तो आप दे सकते हैं पर थोड़ी देर के लिए एप्पल को या तो लेमन में भिगो के रख दें और फिर वॉश कर लें या फिर नमक में भिगो के रख के वॉश कर लें एप्पल जो है ना ब्लैक नहीं होगा मैं अगर सुबह दो ना तो मैं ऐसा कर लेती हूँ पर अब अभी दे रही हूँ अभी तो वो खा लेंगे साथ ही लंच ब्रेक हो जाएगी तो अब अब वो सब कुछ नहीं कर रही तो ये जो हाफ बचा है ना मेरा छोटा बेटा भी उठ गया था तो वो उसको मैंने जो है ना नाश्ता दे दिया था थोड़ी सी चाय दे दी थी वो चाय का बहुत शौकीन है वो सारा दिन अपने दादा के साथ रहता है उनके साथ बैठता है उनके साथ खाता और है जो और जो आते हैं अबू की है ना सब इसके अंदर डेवलप हो रही हैं जैसे वो खाते हैं जैसे वो चाय पीते हैं जैसे वो चलते हैं है, शूज़ पहनते हैं सब कुछ वो करता है इसलिए कहते हैं ना बच्चों को थोड़ी देर के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और बच्चे जो है ना समझदार भी जल्दी हो जाते हैं यहाँ पे बस किचन साफ़ कर रही थी शेल्फ़ वगैरह क्लियर करके अब बाकी काम करेंगी मेरी हेल्पर तो बस उनको भी सब कुछ क्लियर करके देना पड़ता है अगर ना करके दो ये सब कुछ बारीकी वाले काम तो वो कहाँ करती हैं वो उनको जल्दी जल्दी में काम ख़त्म करना होता है और जाना होता है तो सबसे पहले तो मैं सारा कुछ साफ़ सुथरा कर लूँगी और फिर रह जाएंगे बर्तन और बर्तन भी जो है ना वॉश कर लिए थे और किचन हो गया था जी नीट क्लीन साफ़ शफाफ अलहमदुल्ला बाइट की सफाई वगैरह सब कुछ वो करेंगी और बस यही था मेरा आज का व्लॉग और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और दुआओं में याद रखिएगा और बस जी यही थी आज की रूटीन यही थी मेरी छोटी सी रूटीन जिसकी वजह से मैं अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हूँ तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ मैं अपने बेटे को भी नहला दिया था इस टाइम और फ्रेश हो गए थे हम माँ बेटा बैठ के जाना टीवी देखेंगे ओके अल्लाह हाफिज़